Hello everyone, I am Rahul Soni. I welcome you all in my YouTube channel YD Samaj. So today I am going to solve second number question of exercise 3.4, and this is also a word problem. So let's see how we will solve it. The question is, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be thrice as old as Sonu. Twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? Okay, so this is the question. Firstly, try to understand the question, then you can solve it easily. Okay, so let's see how we'll approach this question. Solution. We'll take, let the present tense. मान लेंगे कि जो भी पूछा है उसको करके मान लेना है. How old are Nuri and Sonu? तो present tense की बात कर रहा है यहाँ पे. तो वही चीज. Let the present age of, मान लेते हैं सोनू की. सोनू इज एक्स. प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज एक्स. एंड सिमिलरली द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज वाई. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन वन, यहां लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन वन. कंडीशन वन क्या है? 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले. तो 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी? x माइनस फाइव. और नूरी की एज कितनी होगी? y माइनस फाइव. ठीक है, बट नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. जो नूरी है वो सोनू के 3 गुने के बराबर है. तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सोनू के एज में. ठीक है, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज के बराबर आएगा. फिर इसको सॉल्व करते हैं, जो हो जाएगा 3x माइनस 5 3 का 15 is equals to y minus 5. Okay, now 3x minus y इस साइड से इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस फाइव हो जाएगा, is equals to minus 5. और ये माइनस 15 इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 15. ओके, तो ये हो जाएगा यहां से हमारा इक्वेशन 3x minus y is equal to 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ विल फाइंड द कंडीशन 2. कंडीशन 2 क्या है हमारे लिए? 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद. तो 10 साल के बाद जो सोनू होगा वो x प्लस 10 होगा और जो नूरी होगी वो y प्लस 10. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे कि 10 ईयर्स के बाद जो नूरी है वो ट्वाइस रह जाएगी सोनू की. ठीक है, तो ये जो है नूरी का एज 10 साल के बाद और ये है सोनू का एज 10 साल के बाद, इसके 2 गुने के बराबर रहेगी नूरी. तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 × 10 20 इज इक्वल टू y प्लस 10. इसको वैसे ही करेंगे सिमिलरली, 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 और माइनस 20. तो याद रहेगा 2x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2. अब हमको इस मेथड इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. तो हम देख सकते हैं कि 1 पार्ट माइनस y और ये भी माइनस y है. इसमें कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि एक इक्वल है. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक को घटा देते हैं. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? 1 इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 को. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए प्लस का ये माइनस, माइनस का ये प्लस और ये माइनस का ये प्लस. तो ये देखिए माइनस वाई और प्लस वाई कट गया, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना. तो ये माइनस 2x 3x में से जाएगा तो x बचेगा. तो x इक्वल टू व्हाट? 10 और 10 20. ठीक है, x इक्वल टू 20. नाउ पुट वैल्यू ऑफ x एनी ऑफ द इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए. x इन इक्वेशन 1, चलिए मैं 1 में रख देता हूं. तो 3x है तो x की जगह पे हमको रखना है 20, माइनस y है तो यहां y इज इक्वल टू व्हाट? 10. ओके, तो 3 टू जा 60 हो जाएगा. तो माइनस y इज इक्वल टू 10 और इस साइड से 60 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 60. तो माइनस y इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 50. माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, y इज इक्वल टू 50. अब यहां पे देख सकते हैं y हमने क्या माना था? y माना था नूरी का एज और x हमने क्या माना था? सोनू का एज. तो वही चीज लिखते हैं यहां पे. सो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी
is y is equals to what? 50 years. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था और यही हो गए इसके आंसर. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन में. चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच.